गाइस ये ब्लॉग में डालेंगे, इसलिए गाइस वीडियो को फिर आज निकलना है शूट करने के लिए। कहाँ वो ब्लॉग में बने रहिए तो आपको पता चलेगा। क्या बोली क्या बोली तुम तो? फेस पैक लगा के उठे हैं अभी। ओह गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज है सैटरडे, तो सबसे पहले सो के उठने के बाद तो एक रूटीन तो शायद आप लोगों को पता ही होना चाहिए। पहला गर्म पानी पीना, दूसरा चाय पीना, उसके बाद आज खाना बनाइए। आज मेरा बनाने का मन कर रहा है बेसन का सब्जी और चावल, तो बेसन का सब्जी और चावल बनाएंगे। और सबसे पहले चलते हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंडी के टाइम पे इलायची अदरक वाली चाय। चलो गाइस चीयर्स, शूट पे जाना है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना बना करके फिर नहाना भी है गाइस, नहा करके निकलना है। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने जल्दी से। जो असली जो मास्टर शेफ है वो होती है हमारी माँ, तो हम अपनी मम्मी को फोन करते हैं और अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी बेसन की सब्जी कैसे बनती है। बेसन में नमक हल्दी तेल मिर्चा मम्मी बनाती है ना, बहुत टेस्ट लगता है। बस मम्मी की तरह सोच रहे बन जाए, मज़ा आता है चावल और ये खाने में। नहा करके आ गए हैं और अभी बज रहे हैं एक, तो जल्दी से खाना खाना है, खाना खा के निकलना है शूट करने के लिए, क्योंकि एक यहीं पे बज गया है और ज़्यादा लेट से जाते हैं तो रात हो जाता है। फिर से हम क्या बोल रहे हैं, मतलब शाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे शूट करने में बनता नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर आता नहीं है, तो जल्दी से निकलना है नहीं तो आज का दिन भी बैठे बैठे वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा हो गया है तो चलो जल्दी से खाते हैं, खा करके निकलते हैं शूट करने। जितना भी होगा देखेंगे, एक दो जितना भी कर पाए कर लेंगे। बेसन की सब्जी चावल, देखो भाई मास्टर शेफ देखने का आदत लग गया, इतना टेस्टी टेस्टी अगर यहाँ पे दिख रहा है बस लग रहा है पेट में चला गया। और इन लोगों का बकवास, वाओ। पहले हल्का फल्का नेल पेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइस तैयार हो गए हैं, शूट करना है। गाने बजाने में सुबह से कितनी बार बोल चुके हैं बहुत बार, तो शूट करना है। कैसे लग रहे हैं हम? अच्छे ही लग रहे हैं वैसे। चलते हैं शूट करने, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बजने वाले हैं, लेट हो गए। और ये हम घड़ी खरीदे थे जो कि हमको ना बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला हम खड़ी खरीदे थे तो ये बहुत सुंदर है। वाह मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये। मजाक कर रहे ये वाला ना थोड़ा सा ना ढीला हो रहा है, या तो हम पतले हो गए शायद। हम लोग अपना बॉटल लेके चलते क्या माधवी? खाने का तो चलो अच्छा जगह देख के खा सकते हैं। चलो तो मार्क्स देख लेते हैं। चले गए गांधी मैदान में मिलते डायरेक्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शूट डन हो चुका है फिलहाल, तो यहाँ तक कर चुके हैं। अब चले इधर का भी, इतना बड़ा पोर्शन बाकी है, पता नहीं कैसे होगा बट चलते हैं। और शाम भी हो रहा है क्या माधवी? बहुत सारा भी बाकी है, चलो करके जाएंगे। यस आज तो करके ही जाना है, चलो चलते हैं। और इतना भीड़ फर्स्ट सेकेंड डे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। बाप रे बाबा, कोई दीवाना समझता है। चलो
इसको जब पता चला कि ये 20 का है 30 का है तो ये शॉक्ड हो गया है। एक्चुअली बहुत सस्ता है क्योंकि जब हम वहाँ जो ज्ञान भवन में मेला लगा था ना उसमें ये वाली चीज बहुत ज्यादा महंगी थी, तो ये बहुत ज्यादा सस्ता और हमको अच्छा लगा है, तो हम ये लेने वाले हैं एक सेट। गाइस अब यहाँ पे बजा दिया है गाना, ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा 75% शूट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी रह गया, बट इतना कस के गाना बजा रहा है, बस कॉपीराइट ना जाए और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत और यहाँ पे करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं। यहाँ पे वैरायटी बहुत सारा है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, लाइक कालीन का तो हमको सबसे अच्छा लगा, फिर जो फ्लावर हमको ज्ञान भवन में लेना था वो मिस हो गया था तो वो यहाँ पे मिल रहा है, वो सारी चीजें भी है, तो बहुत सुंदर लगा है सरस मेला, बहुत सारा यहाँ पे, बहुत बहुत लोग बाहर से आए हैं और बहुत तरह तरह का डिजाइन डिजाइन का वैरायटी है भाई, तगड़ा, बस पैसे लेके आओ और शॉपिंग करो और कुछ नहीं। भैया बोल रहे हैं मैडम चाट बोलिए, चाट चाट, पर अच्छा तो खिलाते नहीं है यहाँ का, पता है ज्यादातर नस्टॉल का घटिया ही सामान होता है जो कि खाने लायक नहीं रहता, सिर्फ पैसा वेस्ट होता है, होता है ना, सिर्फ पैसा वेस्ट होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने आए हैं, वो काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे बफे सिस्टम भी लगाया गया है, बाप रे, माधवी बोल रही फ्री में, हाँ माधवी तुम्हारा तुम्हारा बर्थडे पार्टी है जो फ्री में मिलेगा, बस कोई जाता है बिना पैसा दिए निकाल खाने लगता है। यहाँ पे ना टोकन दिखा के लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम होगा, मे भी भाई तगड़ा भीड़ है। माधवी क्या बोल रही है फिर से बोलो तो, मामास डॉटर एंड पापास परी, पापास परी आई है यहाँ पे अपने पापा मम्मी के साथ घूमने के लिए। माधवी कह रही है कि हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम आपके साथ हमको भी लाइक यहाँ पे हम लोगों का कोई नहीं है ना, मतलब कहने का वो मतलब नहीं है, लावारिस तो नहीं है, हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, मेला में साथ घूम लेते खा लेते, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्या बॉयफ्रेंड रखना भाई, बॉयफ्रेंड छोड़ो भाड़ में गया। प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, गाना बज रहा है, सासों की माला में क्या गा रहे हैं, मेरा मुझ पे कुछ नहीं जो कुछ है सब तेरा, गाइस हमको ना ये पिछले बार छूट गया था तो इस बार हमको छोड़ने का मन नहीं है, इसको हमको लेना है, ये मेरा हुआ। सो अब हम लोगों का हो गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर और हम लिए हैं ये फूल क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा, पिछले बार ज्ञान भवन में लगा था तो हमसे छूट गया, सो अब घर चलते गाइस, बहुत ठंडा पड़ गया। तो गाइस घर वापस आ गए हैं, अभी फिलहाल माधवी गई है बर्गर लेने के लिए क्योंकि भूख लग गया था बहुत कस के, गए थे हम लोग एक्चुअली गोलगप्पा खाने पर वो जो भैया लगाते हैं ना हमारे साइड में बहुत ही अमी गोलगप्पा खिलाते हैं, बट वो नहीं थे, भैया बर्गर लेने वो लेके आएगी, फिलहाल दूध चढ़ाए हैं, बर्गर खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फटाक से ब्लॉग रिट मारेंगे, फिर सरस मेला वाला भी रिट मारना है हमको, बहुत सारा चीज काम करना पड़ता है भाई, बहुत काम करना पड़ता है, मतलब भी देख के ही खाना जाता है अंदर। सो गाइज इस चाय के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि 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 अभी हमको पढ़ाई करना है, इसके बाद एडिट करना है वीडियो, बहुत सारा काम है और बहुत ठंडा बढ़ गया है गाइज, क्या बोल रहे हैं हम, कोई नहीं गाइज चाय के साथ एंड करते हैं वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इसको अभी डालना भी है हमको, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है और सारा वीडियो लेंदी हो गया है, कोई इधर चला गया, कोई उस फोन में, कोई इस फोन में, तो ऐसे वैसे बिखर गया है, अब उसको एक जगह लाना होगा, तब एडिट करना होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय। क्योंकि आए थे ना तो उस टाइम पे बर्गर खा लिए थे, फिर मूवी देखने लग गए तो चाय का एकदम अभी कस के वो तलब लगा, लगा चाय पीना है बस।